हम लोग धीरे धीरे शादी की तरफ पहुंचते हुए और शादी हमारे करीब आते हुए शादी हमारे तो आज हम फंसने वाले हैं एक अनजान शादी में बिन बुलाए मेहमान बनकर और वहां करने वाले हैं कुछ अतरंगी कारनामे। ये देखते हैं कि हम लोगों में से कौन है सबसे बड़ा बेगानी शादी का अब्दुल्ला दीवाना। तो अभी हम गए थे सब्जी लेने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब्जी में हम लेने क्यों गए थे कि हम खाना बना सके, मगर एक चीज हमने देखी, लेकिन हमारे प्रभु को तो ये गवारा ही नहीं था कि हम खाना बनाए, क्योंकि हमारे प्रभु चाहते नहीं है कि आप मेहनत करो बेटा, क्योंकि आपने आपको जब बिना मेहनत के सब कुछ मिला है तो आज भी आप बिना मेहनत के सब कुछ पाओ। हे वत्स, सबको क्यों बताता है? सब्जी लेने के लिए गए तो सब्जी लेने के पीछे क्या है, एक शादी चल रही थी, हमें देखिए और फिर जो जब हमें शादी दिख गई, फिर हम लोग धीरे धीरे शादी की तरफ पहुंचते हुए और शादी हमारे करीब आते हुए जैसे और हम शादी और हम भूख की तरफ जाते हुए और भूख हमारी बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों भाई भगवान पानी भर रहा, पानी आ रहा मुंह में धीरे धीरे, बस एंट्री और करवा दो, एंट्री हो जाए, बस हो जाएगी हो जाएगी। तेरी कसम ओए नहीं पहचाने? अरे वे पाठक जी के, पाठक जी के पहचाने नहीं तुम? अरे अरे तुम कुशाग्र खा लो, खाना खा लो, कुशाग्र खा लो, चलो ठीक है, बढ़िया, राम राम, बढ़िया, राम राम है, अच्छे से रहियो। पैर छूकर भरोसा बनाया जा रहा है। मैं पंडित जी लड़का पाठक जी के पाठक जी दिलीप शर्मा नहीं पहचाने? पहुंच गए शादी के और पहले महंगी महंगी चीज़ पे ध्यान देना, पहले यहाँ पर कुछ पपीते और फल जो कि मैं नहीं खाता हूँ ये मरोड़ देगा, मरोड़ बैठो लग रहा है आपको पिछले 5 महीने बाद शादी में आया हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भूखा हूँ फास्ट फास्ट खा लिया है, इतना भी फास्ट फूड होता है मैंने भाई, चला 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 अब रगड़ेंगे खाना, बस 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 पूरे 2 हफ्ते का प्रोटीन खाऊंगा। सस्ती चीजों पे धांडी लगाना रहता मैदा पे, पनीर लेना है, पनीर क्या है ये पनीर, सॉरी आंटी ये रहा पनीर, पनीर डाल दो उसमें, अरे यार पनीर के लिए तो आया, यार पनीर के लिए तो आया भाई, छोटू छोटू आजा, एक सेकंड जगह आया हूँ, यहाँ पे पनीर नहीं मिल रहा है, पनीर कहाँ गया? मिला क्या दोस्त, पनीर मिला क्या? पनीर भी तो, अरे मिल रहा है, मिल रहा है दोस्त, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, पीजी का एक्सपीरियंस, हे अल्लाह, ये देखो पीजी का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ पनीर का, मतलब हमने कटोरी नहीं ली, खा रहे देहाती मजदूर, तो पनीर आ चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, पनीर पनीर बहुत ज्यादा स्पेशल डिमांड पे आया है पनीर, खुशी देख रहे हो चेहरे पे, हाँ पहले पनीर खाएंगे, जो सुकून आया है वो इसी से ही आया, आए तो मेरा दीगा बटन अब तू ही बताओ सनम, आओ जा फीलिंग ब्रो, आई एम फीलिंग फकिंग जो मतलब मजा आ गया, वाह Okay.
अब रुक गए, थक गए क्या? मेरे को ना एक्चुअली क्या है ना, लेटरिंग आ गई। लेटरिंग रोको, वो ये और ये बार बार नहीं आता। मैं गिलाऊ मैं डांस करने के लिए जा रहे हैं हम। हमने सोचा कि देखो खा तो लिया ही है, अब बचा ले, अब बचा ले। तो पहले बताओ मैं डांस करूंगा या पहले तुम नाचेंगे? कोई कट्टा मट्टा चल रहा है, मेरे गाड़ बताया है। गाड़े आटे भी छोड़ूंगा नहीं, लेटरिंग आ रही है मेरे को, टक्की पीने में लाऊंगा ना तेरा। मेरे यही ना हो गया, कसम से खा रहा हूँ मैं। और नियत ऐसी लग रही है कि यार कलुआ भी खाना है अभी, चाउमीन थोड़ा खा लें थोड़ी सी, क्योंकि कल हो ना हो तो। नमस्कार दोस्तों, हम लोग जिस प्रकार शादी में घुसे और जिस प्रकार हमने खाना मरोड़ा है, मतलब कि खाया है, हमारे मध्य प्रदेश की भाषा में मरोड़ना कहते हैं, मरोड़ना कहते हैं, तो उस प्रकार पकना है, उस प्रकार हम हाँ धन्यवाद बताने के लिए। तो उस प्रकार हम लोग एक बात तो भूल ही गए कि हम लोग इतनी देर से यहाँ पर खा रहे हैं, लेकिन दूल्हे का स्टेज तो दिख ही नहीं पता नहीं कहाँ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें अभी तक लगी नहीं हम शादी में आए, हमें दूल्हे का और दुल्हन का स्टेज कहीं दिखाई नहीं। तो इसका मतलब शायद वो, लेकिन हो सकता है कि शायद दूल्हा और दुल्हन का यहाँ पर कोई मतलब ही ना हो। क्या हो सकता है कि हम लोग सिर्फ शादी में नहीं, हम कहीं और हैं, हम शायद उनके स्वागत पार्टी में आए हों। यूपी के बारे में नहीं बोलना, बहन चुट जाएगी, कट्टे चल जाएंगे। तो टाइम आ चुका है घर जाने का, और निकल रहे हैं। ठीक है, राम 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 राम। पापा खाना बहुत अच्छा था, हमने लिफाफा नहीं दिया है, और अभी सोच रहे थे हम गए घर पैक करवा लें। सुन, अभी हम सोच रहे थे गाय का पैक करवा लें, पर नहीं हो पाता पैक। तो ठीक है, हमने खाना खा लिया, पेट बताऊं क्या, दिखाऊंगा पेट? नहीं। तो इसी के साथ हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।